दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको जिप मेरिडियन को टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे जिप मेरिडियन और टोयोटा फॉर्च्यूनर में से कौन सी बेहतर है। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक बहुत ही पॉपुलर एसयूवी है। अपने सेगमेंट में इसका भारी दबदबा रहा है और अब इस सेगमेंट में और एक नई एसयूवी आ गई है, यह है जिप की मेरिडियन। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं मेरिडियन और फॉर्च्यूनर की डायमेंशन को। नई जीप मेरिडियन 4769 मिलीमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई है 1859 mm और इसकी ऊंचाई 1682 mm है। और दूसरी तरफ नई फॉर्च्यूनर की लंबाई 4795 mm, चौड़ाई 1855 mm और ऊंचाई 1835 mm है। तो यानी कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर मेरिडियन से काफी बड़ा है। मेरिडियन और फॉर्च्यूनर की फीचर्स की कंपैरिजन करें तो नई मेरिडियन में यू कनेक्टेड 5 के साथ 10.1 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जो कई कनेक्टेड कार टेक्निक जैसे फीचर्स से लेस होगी। इसके साथ ही इसमें 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 9 स्पीकर, हाई डेफिनेशन सराउंड सिस्टम मौजूद है। वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर में 8-way पावर ऑपरेटेड ड्राइवर सीट कनेक्टेड विकल्पों के साथ 8 इंच टचस्क्रीन एनवायरनमेंट सिस्टम, 18 इंच एलॉय व्हील्स, वाटरफॉल एलईडी डिजाइन के साथ एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सिस्टम, पावर बैक डोर के लिए किक सेंसर, ऑटोमेटिक एसी और अन्य फीचर्स के साथ आती है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जिप मेरिडियन 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, जो जिप कॉम्पास में मौजूद है। वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर को दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है। एक है 2.7 लीटर एन पेट्रोल और दूसरा 2.8 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। तो यानी कि इंजन के मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर जिप मेरिडियन से काफी ज्यादा आगे है। तो आपकी इन दोनों में से कौन सी कार सबसे फेवरेट है आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।